तलावे चेक करें इसमें क्या है। ओहो माशाल्लाह जबरदस्त। अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। उसके साथ ही कंबर जो आपने आपने विजिट किया है लेकिन आपने रबते नहीं किया, बता के नहीं गए, आप चले गए। जब मैंने बाद में लोग से देखे मुझे पता लगा कि अब्दुल्ला भाई गए हुए हैं। मेन्यू में क्या क्या? मेन्यू में एक्सेल गोटे प्लगइन। ऐसा लगता है कि कुछ रोज़ेदार रोज़ा रखकर हम पर एहसान करते हैं। हल्का सा पंखा चलाकर, हर काम से जान छुड़वा के कंबल लेकर सारा दिन नींद पूरी करते हैं। लेकिन कुछ रोज़ेदार रोज़े के बावजूद हर काम को बरवक्त करते हैं, ना तो वो रोज़े के होने का बहाना करते हैं और ना ही अपने काम से जान छुड़वाते हैं। रमज़ान के तीसरे अशरे का आगाज़ हो चुका है और हमें दावत इफ्तार एक करीबी दोस्त बिलाल से मिल चुकी है। मेरे नज़दीक करीबी दोस्त की डेफिनेशन यही है कि वो आपको इफ्तार पर बुलाए। तो जाने की तैयारी करते हैं, तलहा भाई की कॉल्स भी आ रही हैं। हर दावत इफ्तार पर जाने से पहले अच्छे मेहमान होने का सबूत दें और कुछ साथ लेकर जाएं। आज की वीडियो में हमारी रवायती बाइक राइड तो नहीं होगी क्योंकि आज का मेन फोकस जो है वो है इफ्तारी पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या चल रहा है? ठीक हो? A1। थैंक यू फॉर दावत इफ्तार। नहीं नहीं, ये तो प्यार है आपका। बाकी आ रहे थे वो दोस्त वगैरह आ रहे हैं। हाँ, वो गया हुआ था शिदेव, उसको पता था। सर वो गए हुए थे, मैंने कहा फटाफट आ जाओ। मैं कहा वेन्यू पे तो पहुंच चुके हैं। अपने घर से अपने घर से। और अब्दुल्ला भाई A1, आप सुनाओ। आपकी मेहरबानी, हमारे पास शक्ल गए हैं। मेहरबानी आपकी, मेहरबानी आपने सुनी है। आपकी मेहरबानी कि आपने हमें इनवाइट किया है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। मैं वहीं से शुरू करूंगा। और आज दुकान पे गए थे? आज तो छुट्टी थी, संडे था, लेकिन अभी अपनी शॉप पर गए थे। तो बिलाल भाई हैं जी, बड़े एक्सपर्ट किस्म के मैकेनिक। इनकी शॉप है जी जौहर टाउन में, खान मोटर के नाम से। खान, इनका यूट्यूब चैनल भी है। कितने सब्सक्राइबर्स हैं जी आपके? अभी तो बस गिनती के 12-1300 हो गए होंगे। 12-1300। चले जबरदस्त। कंटेंट वगैरह अभी हम मैकेनिकल वीडियोस के अपलोड करते हैं। मैकेनिकल वर्कशॉप में जो काम होता है, जो जैसे पार्ट होते हैं, डिजिटल तरीके के मैकेनिक हैं। चले इनका, इनके चैनल को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दूंगा, आप इनके चैनल को जरूर विजिट करें। हमारे उस्ताद जी जैसे आप बोले। ओह उस्ताद जी। मेन्यू में क्या क्या? मेन्यू में एक्सेल गोटे प्लगइन। जबरदस्त यार, जबरदस्त। तो बिलाल भाई मेनली बिलोंग करते हैं जी स्वात से, और जंपल उधर की है। हाँ जी, जंपल उधर की है। तो स्वात मेन में गोरा बाजार। हम सेकंड ईयर के फेल स्टूडेंट हैं। तो ज्यादा कह रहा है, मैं चला गया। उसके साथ ही कंबर जो आपने आपने विजिट किया है लेकिन आपने रबते नहीं किया, बता के नहीं गए, आप चले गए। जब मैंने बाद में लोगों से देखे मुझे पता लगा कि अब्दुल्ला भाई गए हुए हैं। हाँ जी, मेरा नाम राना जायद है, ठीक है। वरना वहाँ पर हमारे साथ ही वहाँ पर थे, तो हमारे बिल्कुल आपसे तकरीबन को 50 कदम की दूरी के ऊपर हमारा कोई घर था, तो वहाँ पर आप विजिट कर लेते लेकिन आप आए नहीं। वैसे तो फिलहाल ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे ना, तो स्वात और उस साइड का टूर होगा ना, वो बिलाल भाई के साथ हमने करना है। ठीक है, डन हो गया, डन हो गया। बस शाम को उठ रहे हैं 3-4 बजे, और उसके बाद जो है फिर शादी नहीं हुई ना, इसलिए भी रूटीन खराब है। शादी वो ज़्यादा खराब होगी। ज़्यादा खराब होगी, लेवल हो गया। लेके आओ सारे, लेके आओ। तलहा भाई चेक करें इसमें क्या है। ओहो माशाल्लाह जबरदस्त। बिलाल भाई ये आपने क्या तकल्लुफ किया है? ये तो बस ये है सवाद आपके प्यार में है, जो कुछ है। ये वहाँ की लोकल बिरयानी है सवाद की? मुगल बिरयानी वाला टेस्ट आएगा? मुगल से भी ऊपर का। क्या बात है, ये होममेड है, हमारी वाला की हाथ की बनी, जबरदस्त। पूरे लाहौर में मिलेगी। क्या बात है, देखने में इतनी जायकेदार लग रही है। सर इतना तकल्लुफ क्यों किया आपने? बस करो, ताड़े डोंगे मुके नहीं हले, ले आई जा रहे हो, ले आई जा रहे हो। सहरी इत करवानी सानू।
अच्छा मतलब के खाली जाके सानू बहा रहे हो क्या टाइम क्या हुआ क्या बोलते हैं ट्रेन पकड़ ले टाइम यार ये भी हो गए ना मेरे ख्याल में एक पता हां मुझे करवा के दिया था हां भाई या अल्लाह पाक बिलाल भाई नो इंजन दे गाक दे जिन्ना दे ओवरऑल होने हो आमीन बोलो आमीन सस्पेंशन में अच्छे पैसे ये अल्लाह पाक आगे गाड़ियों के एसीयों का सीजन आ रहा है एसीयों के गाक दे नहीं वो हमारे फील्ड नहीं है गलत दवा गली कैंसिल करो कैंसिल आमीन वो कैसे आमीन उसने बोला यार पता क्या चीज है इसके पास झगड़े के जरा घर बैठ जाएगा ना घर बैठेगा तो जरा फोन उठा लेगा फिर शायद बुला ले बाहर बुला दे नहीं है बात तेरी कर दूं बात कर ले फिर मुझे बता दे फिर यार पता लगा चल चला यार कहते यार अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर أشهد أن لا إله إلا الله عبد الله بھائی امام کو بولنا ذرا ماشاءاللہ بول دے ذرا مجھے نظر لگ جاتی ہے بہت جلدی کھاتے ہوئے सर आप जितने ओवर वेट हो गए ना 10% तो नज़र लगनी चाहिए थी ये हमारे ना स्पेशल अहमद भाई ने बनाए हैं वो बोले अहमद भाई ने क्या बात है थैंक यू अहमद भाई अल्लाह पाक आपको जजाय खैर दे किस दिन ना आपको अहमद की याद की बिरयानी खिला दे मैं कहता हूँ A1 चाय का तो स्पेशलिस्ट है चाय बनाते हैं ऐसी लेवल वाली क्या बात है कि मैं कहता हूँ कि पीने के बाद आप भूल जाओ कि मैंने चाय पिया मतलब इतनी अच्छी आउट क्लास है हाँ और क्या यार ये तारीफ है कि दिखती है शर्बत डाल के दे यहाँ पटाओ आपने ना इफ्तार के टाइम ही सब कुछ रख दिया और बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा माशाल्लाह दस्तरखान पे इतनी रौनक लग गई है कि क्या खाएं और क्या छोड़ें ठंडा ना हो जाए यार पता क्या बहुत शुक्रिया जी आपका मैं आपसे बोल लेता हूँ भाई मैंने बाद में कुछ भी नहीं खाया जाना वो खा लिया ये अक्सर ना माशाल्लाह बफे सिस्टम है तो सारी चीज़ें बैलेंस करके खानी है नहीं नहीं यार ऐसे कोई बात नहीं है तला भाई बिरयानी लग रहा पता है मुझे बच्चे खाने के मतलब पता क्या मैंने कहा यार चावल बना लेता मैं बाद में निंदा करेगा आपका कोई काम ही ना कर रहा घर में बाजी से कह गई बिरयानी बगल बनवा लेना बस उसके बाद उसने ना आपके काम को इनकार नहीं होगा ये बस आपका फोन पहले रिंग पे उठाएगा वो मैं कहता रिंग अभी तो बेल भी नहीं बजी होगी पहले उठाया यार वो हमारे पास पुराने सिस्टम होते थे पेंटियम 3 उसमें जब फोन आता था वो पहले हो जाते वो तला साहब ने पैसे पहले ही वो जो होती थी इनकमिंग उसके ऊपर उठा लेना वही मैं कह रहा हूं अभी मैंने टेस्ट नहीं की है लेकिन चावल कला कला चावल है ये जो नहीं खाई चावल देखा ना हमने सवाद में खाई थी मुगल बिरयानी उसके अलावा सवातियां से हमने अभी तक कुछ नहीं खाया है मुझे मुगल बिरयानी ना वो लाहौर की तरह मिर्च वाली है मतलब कराची बिरयानी वाला टेस्ट है कि वहाँ पर मैंने घर आके मैंने रूम पर अपने आके तो मैंने ऊपर कपड़े भी धोने हैं वहाँ पर मैंने भी अपने खाने भी बनाना है हर चीज़ अपने लिए खुद ही करना है कि नहीं तो कुछ सब कुछ करने के बाद तब जाके मैं फ्री उधर तक 11 बजे हमारे तो पाकिस्तान
जो है ना जो जरा नहीं ना चल रहा इतना पाकिस्तान उरे ना दो हल होंगे है या तो विह कर दो या बहर भेज दो ते ओ बाहर ले जाने वाला जरा सीन है ना वो उन्होंने मिलिट्री अकैडमी है मिलिट्री अकैडमी है वहां पर बंदा स्ट्रिक्ट फिट ना कोई लेनी ना देनी मैं कहता तू फर्स्ट रह गया तू कह यार बिल्कुल मैं विदत ये खोतों की तरह से तेरे से काम ले रहे तेरा यहां मुझे हटनी पड़ जाएगी ऐसे कहेगा यार दो काम मुझे करने एक्स्ट्रा पड़ गए यार मौत पड़ गई पैसा नहीं है मजा नहीं आ रहा है वो वहां पर फ्री में अगले के लिए तू काम करेगा टिपशी मिलती है उसको वक्त वो इस तरह करते करते ना 4,000 से 5,000 रियाल अपने निकाल लेते हैं और हम पाकिस्तानी वहाँ पर फिर उधर भी हमारी अटरामी है ये नहीं कि हम वहाँ पर इतने अटरामी उधर भी रात को आ गए यार बस यार क्या करना है इतना कम आ गए इधर लेट जाए बात है लेकिन वो इंसान अब क्या करे लेकिन वो मजबूरी है उसको पता नहीं कि पीछे जो सा है पीछे भी उसका काफ़ी ज़्यादा मेरे ना दरअसल इस चैनल पर ज़्यादातर जो व्यूवर्स हैं ना वो पाकिस्तान और इंडिया से हैं और कुछ आप समझ लें कि 8 से 10% ऐसे होंगे जो सऊदीया और मिडिल ईस्ट वगैरह से हैं तो वो शायद भाई किन बातों से रिलेट कर सकें और जो भाई के साथ बीती है वो शायद आपके साथ बीत चुकी हो या आप वो फेस क्रॉस कर रहे हो लेकिन लाइफ पाकिस्तान की है। हाँ बाकी ये माइंड करने वाले बात ही पांच उंगली जैसे नहीं होती क्या पता कोई अच्छा बंदा हो बीच में आपको हो सकता है फील अच्छा है लेकिन हमें नहीं मिला कोई अच्छा बंदा सही बताओ तो मुझे कोई नहीं मिला चले जी बिलाल भाई के साथ बड़ी बेहतरीन किस्म की गपशप लग रही है इसके साथ हम गपशप लगाते हैं कुछ जरा बातें प्राइवेट करने वाली भी हमने ऑन एयर भी नहीं करनी तो यार हम यहाँ पे आए हैं अफतारी की है माशाल्लाह दस्तरखान पे इतनी रौनक थी इतनी बरकत थी हर चीज़ नहायत मज़ेदार और इतना ज़्यादा इन्होंने मेहमान नवाजी की है कि यार मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं इनकी वो अल्लाह ताला इनके कारोबार में रिस्क डाले इनको नए एक साल औलाद दे अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे तो सर वीडियो को करते हैं यहाँ पर एंड अफतारी बहुत हैवी किस्म की है और अब आ रही है बहुत नींद क्योंकि अब ज़रा सुस्ती हो रही है आपको पता है अफतारी के बाद जो सुस्ती होती है ना वो बहुत लेवल की होती है तो अब ज़रा हम यहाँ हमारे यहाँ से वापसी होगी तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपनी किसी वीकेंड राइड में अपनी किसी इफ्तारी में ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमें इफ्तारी पे नहीं इनवाइट किया वो इस भाई से कुछ सीखें और हमें इनवाइट करें ठीक है जी हमें दें इजाज़त चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुझे दें इजाज़त तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।